I would request, sir, can I ask Dr. Santosh Panda from... Sure, thank you, sir. I would request Dr. Santosh Panda, sir, from NNF Orissa to summarize the key messages from the presentation in Oriya. Over to you, Dr. Santosh Panda, sir. Yes, I'm sir. Audible, madam? Yes, sir, you're audible. Please go ahead. एठारे उपस्थित थिबा ओडिया भाषाभाषी स्वास्थ्य कर्मचारी पाई उपादेय हेब आजिर विषय वस्तु नवजात शिशुर ताप नियंत्रण क्षमता उपरे आमे आलोचना करिबा नवजात शिशुर बॉडी रा टेम्परेचर साधारणतः 36 डिग्री 5 रु 37 डिग्री 5 सेंटीग्रेड भीतर थाए जदि शिशुर टेम्परेचर 36.5 डिग्री तळकु रहे ताहाकु आमे कहू हाइपोथर्मिया मेडिकल भाषा रे बा ओडिया रे आमे साधारणत पेरेंट्स मन अमन कहंती जे शिशुटी ठंडा हे गला बा कालुआ पड़ी गला ए ठंडा हे जबा शिशु बा कालुआ पड़ी बा शिशु बा हाइपोथर्मिक बेबी रो बॉडी रो पर बहुत गुडे प्रभाव पड़े जे शिशुटी ठंडा हे जाय थाए सेमानकर बॉडी रो रोग प्रतिशक्ति ऊपर बहुत प्रभाव पड़े एवं सेमाने इन्फेक्शन वापे बहुत वल्नरेबल सेमानकर शरीर रक्त अम्लजान धारण क्षमता कम रहे जहाँ को आम हाइपोक्सिया कहूँ एवं शरीर डाहाण पाख अलिंद निलयर धमनी बाट जाए जो रक्त दुईट फुसफुस को जाए से फेसल जोड़ा आम कह पल्मोनरी आर्टरी ए पल्मोनरी आर्टरी रक्तचाप बढ़ी जाए यदि बेबी थंडा हो जाए पल्मोनरी आर्टरी जो रक्त धमनी आमर राइट वेंट्रिकल रु लंग्स को जाउची तार प्रेशर बढ़ी जाए जहाँ को हम मेडिकल साइंस भाषा रे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहू तेणु हाइपोथर्मिया हेले बेबी टी परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोली बोली डिजीज रे परिणत हुए जो थे शिशुर हाइपोक्सिया रे बार शरीर रक्त अम्लजान धारण क्षमता कम हो जाए मझेरे मझेरे शिशु मध्य निश्वास नवा बंद हो जाए जहाँ को आम आपनिया कहू ये हाइपोथर्मिया बेबी रक्त ग्लुकोज अंश कमी जाए बाने वल्नरेबल फॉर हाइपोग्लाइसेमिया जहाँ को आम रक्त ग्लुकोज यदि आम मॉनिटरिंग करवा तर ब्लड ग्लुकोज लेवल 40 मिलीग्राम पर डेसिलिटर तलुक रहे बॉडी रे एसिड अंश जमी जाए जो शिशु परसिस्टेंटली ठंडा बा हाइपोथर्मिया बा कोल्ड स्ट्रेस रहे से वेट गेन हुए ना एवं ये हाइपोथर्मिया इफेक्ट बॉडी रो अन्य अंग प्रत्यंग प्रभाव पड़े जेपरी हृदय स्पंदन शक्ति कमी जाए बेले बेले शिशु शॉक रे ब्लड प्रेशर कमी जाए सोजा शरीर टिश्यू को रक्त प्रवाह एवं ऑक्सीजन पहुंचबार क्षमता मध्य कमी जाए स्नायु पर मध्य मस्तिष्क पर प्रभाव पड़े रक्त जमाट बांधिया क्षमता मध्य कमी जाए तेणु जिते बड़े गोटे शिशु सीभीआर बा मॉडरेट हाइपोथर्मिया बा अधिक परिमाण ठंडा हे जीव बा सेहार तर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हवा को स्टार्ट करे तेणु हाइपोथर्मिया को प्रिभेन्ट करिबा बा हाइपोथर्मिया को आमे प्रिभेन्ट न कले इट विल आमर नवजात शिशु मृत्यु हार बढ़े दिए एवं आमे जेतु ए स्लाइड रु बुझिले जे शरीर रो तापमात्रा खसी गले शरीर विभिन्न अंग विभिन्न अर्गान उपर आर इफेक्ट पड़े ब्रेन उपर रक्त जमाट मध्ये क्षमता उपर हृदय माने हार्ट रा फंक्शन उपर हाइपोटेंशन हो जाए पल्मोनरी हाइपोटेंशन हो जाए हाइपो ग्लुकोज लेवल कमी जाए बॉडी रे एसिड अंश कमी जाए तेणु जे कोनसी शिशुर रोग मान नवजात ना न्यूनाटल डिजीजेस रा मॉर्बिडिटी बढ़ी जाए तर ता अर्थ नवजात शिशुर जटिलता रोगर जटिलता बढ़ी जाए यदि आमे ए हाइपोथर्मिया को प्राधान्य न देबा ट्रीटमेंट को प्राधान्य न देबा सो ए स्लाइड रे में सिखिबा जे इंटरवेंशन आमे यदि हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करिबा अराउंड 25% एवरेजली 25% आमे नवजात शिशु मृत्यु हार एवं नवजात शिशु रोग जनित जटिलता को प्रतिशत करि परिबा नेक्स्ट स्लाइड मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज तेणु आम
प्रथमे आमे ए हाइपोथर्मिया को किपरि प्रतिरोध करबा ता पूर्व रे सुंदर कथा टी बुझिबा पड़िबो जे थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट मन कोन बा शिशु केउ परिवेश रे बढ़िबा दरकार शिशु टी ए एभली एक परिवेश रे टेंपरेचर आइबा दरकार जहा द्वारा तार बॉडी रो बेसल मेटाबॉलिक रेट बा मिनिमम बॉडी एनर्जी एक्सपेंडिचर करूची जो टेंपरेचर रहिले सेटा को कहंती थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट जदि हमर परिवेश रा टेंपरेचर बा शिशु जो टेंपरेचर एनवायरनमेंट रे जो परिवेश रहउची से परिवेश रा टेंपरेचर जदि बढ़ी जाए बा से परिवेश रा टेंपरेचर जदि कमी जाए तार बॉडी रा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी जीव तेणु अधिक शक्ति नष्ट करिवो ता बंचिवा पाई तेणु आम को गोटे नवजात शिशु को एभली एक परिवेश टेम्परेचर रखा परिवेश टेम्परेचर चारिपाख वायुमंडल टेम्परेचर एभली हवा दरकार सो दैट ताद्वारा तहार बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर शक्ति क्षय जो निजी बंचाप मिनिमम शक्ति क्षयटा खूब कम परिमाण हवा दरकार तो ये ग्राफ रे आम खूब सुंदर भाव बुझीपे जिते बड़े टेम्परेचर साधारण 25 रु 33 डिग्री 34 डिग्री टेम्परेचर परिवेश टेम्परेचर रहुची से समय तार बेसल मेटाबॉलिक रेट इज मिनिम लोअर साइड इफ जदि हमर टेम्परेचर परिवेश टेम्परेचर कमी जाउची 25 डिग्री तळकु जाउची बा 35 डिग्री तळकु जा ऊपर को बढ़ी जाउची ताले तार बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी जाउची ता माने एथु जानुचे गोटे शिशु पई पुनी हम कथा हबा जे शिशु के प्रीमेच्योर अछि केते केते दिनर बेबी बा शिशु को आम कि कवर कर रखीचे शिशुटी सुस्थ अच्छी कि असुस्थ अच्छी से सब भेरिएबल्स तार उपयुक्त परिवेश टेम्परेचर उपर प्रभाव पकाए कि स्लाइड रे शिखिले साधारण तो गोटे नवजात शिशुपाई थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट हूँ अराउंड 26-27 डिग्री रु 32-34 डिग्री से आमर जो प्रसव कक्ष जो डेलीवरी रूम कथा कहे से आम कह 24-28 डिग्री रखु सो दैट बेबी हीट लॉस भी मिनिमम नेक्स्ट स्लाइड जी मैडम ये स्लाइड देखा गोटे नवजात शिशु के पद्धति शरीर ताप नष्ट हुए गोटे कंडक्शन परिवहन जो क्षेत्र में दुईटी सरफेस दुईटी ऑब्जेक्ट परस्पर को लागिक रुहंती ता द्वारा गोटे उष्म ऑब्जेक्ट रु गोटे थंडा जिनस को टेम्परेचर ट्रांसफर करे सो कंटाक्ट इन बिटवीन टच दिटा को सरफेस टच रहा दरकार तो परिवहन हम ताप पर बहन कहते कंडक्शन कन्वेक्शन मान आम बुझा जो धरत गोटे शिशुटी गोटे खोला झरका पाखे शोच झरका बाट दे जदि गोटे थंडा पवन बोहीगला आम फैन टी अन करदे शिशु दे गोटे थंडा पवन बोहीगला जहा द्वारा शिशुर टेम्परेचर खसी जाए जहाँ को कन्वेक्शन रेडिएशन माने जदि शिशुर बॉडी रो उष्मता पाखरे गोटे थंडा जिनिष को विकिरित हुए ताको कहंती रेडिएशन जेमिती आपण चित्र तेज सर आपण को देखेले जे विकिरण केबाळी हुए से बले एवापोरेशन बाष्पित हबा जेपले माने धरंतु शिशु जन्म हला ता जन्म हबा मात्र ता शरीर रे चारिपटे एमनियोटिक फ्लूइड लागि गछि आमे तुरंत कौन कर गोटे कपड़े से पोछि दौचे तार उद्देश्य हूँ जदि आम से एमनियोटिक फ्लूइड की न पोछा तो एमनियोटिक फ्लूइड कौन बाष्पीभूत हे आम जानचे बाष्पीभूत हेल्ले जिनसटी थंडा हो जाए एवापोरेशन मेकिंग कूल इमीडिएटली आम एवापोरेटिव हीट लॉस को प्रिवेंट न करवा बेबी इमीडिएटली थंडा हो सो आम चारोटी पद्धति आम जान लें हिट ताप क्षति हाँ नष्ट हबार चारोटी पद्धति कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन और एवापोरेशन वैज्ञानिक पद्धति उपरे आमे नेक्स्ट टाइम जो डिस्कशन करिबा जे हाइपोथर्मिया को आमे किपरि प्रिवेंट करिबा ए सब ए वैज्ञानिक पद्धति आमको साहाय्य करिबो नेक्स्ट स्लाइड तले आमे काहे कि ना एते चिंता करूचे जे नवजात शिशु ए हाइपोथर्मिया को भारी फने माने बहुत माने अन्य माने बड़ा लोक छोट छुआ को तुलना रे ए नवजात शिशु बेबी कहीं के हाइपोथर्मिया शिकार हमती प्रथम कथा है
गोटे प्रिमाच्योर बेबी जो बेबी आगुआ टे जन्म होती से मानकर स्किन टा बहुत इमेच्योर थाए चर्म खूब पतला जहा दे कि शरीर जड़ी अंश नष्ट हुए जहाँ को आम कहे ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस ये मध्य गोटे बाष्पित इवापोरेशन जनित ताप नष्ट से लगे प्रिमाच्योर बेबी को अधिक गुड टेम्परेचर एवं ह्यूमिडिटी बा इनक्यूबेटर भितर रखा जाऊ रखा कहू लेस दैन 1 केजी बेबी टू लेस दैन 28 वीकर बेबी मानू आम इनक्यूबेटर भितर रखू जो थी आम किसी टेम्परेचर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कथा आम कहू रखापी एवं द्वितीय कथा है एम शरीर ओजन पूर्व स्लाइड की जीवा शरीर ओजन तुलन प्रिविय स्लाइड प्लीज शरीर ओजन तुलन एम शरीर सरफेस एरिया बहुत बड़ एवं प्रीमैच्योर बेबी मान साधारण हाथ गुड़ाक लंबे रखि था तेणु एम बडीटा अधिकांश पर एक्सपोज हुए गोटे टर्म बेबी तुलन सो दैट मोर हिट लस हमारे चान्स थाए छड़ा एम गोटे स्पेशल सब नवजात शिशु गोटे टर्म बेबी तुलन गोटे प्रिटर्म बेबी गोटे ब्राउन फैट बा ब्राउन जातीय चर्बी परिमाण कम थाए ब्राउन चर्बी गोटे विशेषत्व लक्षण है हीट प्रोडक्शन शरीर ताप या क्षमता थाए ये एम जीवकोश भितर अधिक परिमाण माइटोकॉन्ड्रिया थाए से मैंने अधिक ताप प्रोडक्शन करते प्रीमैच्योर से कम परिमाण ब्राउन जनित चर्बी थाए यही सब कारण लगी गोटे प्रीमैच्योर बर्थी गोटे आगुरी जन्म होता प्रीमैच्योर बेबी गोटे टर्म बेबी तुलना रे मोर वल्नरेबल फॉर हाइपोथर्मिया नेक्स्ट स्लाइड जीवा यस आम ए सुंदर कथा एमें वार्म चेन विषय कहवा दस टी पदक्षेप ना जहाद्वारा आम नवजात शिशु को हाइपोथर्मिया प्रिभेन्ट कर प्रथम कथा है प्रसवशाला डेलीवरी रूम टेम्परेचर मुझे कहली 26-28 डिग्री टेम्परेचर रखिए साधारण गोटे कमन से एसी टा बंद करवा फैन टा अफ करवा यहाँ आम यूजुआली जो मैंने शिशु डेलीवरी रूम का रिसर्च स्टेशन को जाऊे आम प्रथम दृष्टि रखा दरकार द्वितीय कथा जदि बेबी को रिसर्च स्टेशन करवा पूर्व यदि रेडिएंट वार्मर जो जगार अच्छी 20-30 मिनट पूर्व मैनुअल मोड रे अन कर रखत एवं दुईटा पीस प्री वार्म क्लॉथ दुईटा पीस कपड़ा को उषुम करके रखत एवं जन्म हेबा परे स्टेबल बेबी टर्म बेबी मान को आम गोटे कन्सेप्ट कहते जीरो सेपरेशन छुआ को जन्म हेला परे प्रथम मार छाती ऊपर दिंतु जदि गोटे सुस्थ टर्म बेबी थाए प्रीटर्म बेबी जो आंटी जो बेबी मान जन्म पर कांदी न थांती बा आमे जा कहू जे रिसेस्टेशन दरकार ताकू आपण वार्मर तल पानी रिसेस्टेशन करंतु किंतु जो माने सुस्थ बेबी टर्म बेबी अराउंड 190 टा भाग टर्म बेबी कर कोनसी रिसेस्टेशन दरकार पड़ेनी से मानकु मार छाती ऊपर रखंतु स्किन टू स्किन कांटेक्ट पांती बेबी माने ब्रेस्ट क्रॉलिंग करंतु ब्रेस्ट फीडिंग जते शीघ्र आरंभ करंतु आउ द्वितीय इंपोर्टेंट कथा हला आपण कहजे वार्मर रिसर्च स्टेशन जाऊे दुई पीस आम प्री वार्म लाइन रखा सो शिशु जन्म है मात्र प्रथम कपड़े प्रथम एमनियोटिक फ्लूइड को पोछे आनवा जो कहली प्रिवेंट द इवापोरेटिव हीट लॉस आप प्रिवेंट करापर सांगे सांगे जो कपड़ा आप ओदा है सांगे सांगे फोपाड़ी देवा ना कौन हम से शिशुटी से ओदा कपड़ा लगे रहा पुणी कंडक्टिव हीट लॉस हम तेणु दि पीस कपड़ा ये कहुच फास्ट कपड़े आप पोछीदे सो दैट आपर इवापोरेटिव हीट लॉस प्रिवेंट है सेकेंड स्टेप हूँ अपना वेट क्लॉथ को फोपाड़ी दिंतु ताद्वारा आप कंडक्टिव हीट लॉस को प्रिवेंट कले सांगे सांगे बेबी को आउ गोटे प्री वार्म क्लॉथ एडाप्ट करूँ ताद्वारा बेबी अगेन कंडक्शन हीट लॉस वार्मिंग हम हाइपोथर्मिया प्रिवेंट हम जदि प्रीमैच्योर बेबी आप अच्छी हेड कैप यूज करूँ यदि 32 सप्ताह पूर्व बेबी जन्म होती आप गोटे प्लास्टिक बैग बा रैपर भितर रखु सो बेबी जन्म है मात्र सांगे सांगे प्लास्टिक बैग भितर भर्ती कर उद्देश्य होची अगेन तार अमनियोटिक फ्लूइड जोड़ा लगे थी इवापोरेटिव हीट लॉस हम सो दैट इज वेरी गुड इंपोर्टेंस ऑफ
आम हिटताप नष्ट नक नष्ट हिट लस हुए इवापोरेट हिट लस बहुत इंपोर्टेंट देखते प्रायोरीटी मेकानिज्म जाना द्वारा आम कह स्किन टू स्किन कंटाक्ट जन्म होगा शिशु को यदि सुस्थ अच्छी मार छाती रखु स्किन टू स्किन कंटाक्ट प्रोवाइड करवा ब्रेस्ट फीडिंग को हमें एनकरेज करवा शिशु को कौन सी मिश्री पानी महु पानी फुटा पानी कहते प्री लैक्टेज फीड दबानी केवल एक्सक्लूसिवली माँ क्षीर जिते शीघ्र इवेन भी आम सीजेरियन डेलीवरी शिशु मान जन्म जिते शीघ्र हे मान चेष्टा कर जन्म अध घंटा एक घंटा मध्य ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएशन करेबा षष्ठ कथा हला आमे बाथिंग जो छुआ को जन्म है साधारण बहुत लगातार गाधे देवा ना गाधे एम को आम पोस्टमार्टम बाथिंग डिस्चार्ज है शिशु को जन्म है प्रॉपरली क्लदिंग कर रखा जमी जानते मुंडा हूँ शरीर लार्जेस्ट सरफेस एरिया हेड टा कवर कर रखा प्रॉपर कैप दबा सॉक्स पिंधेबा यदि शीत दिन होगी प्रॉपरली रैप करवा कारण दिटा जिस ट्रॉपिकल कंट्री अधिक थंडा अधिक गरम आम आमको मेंटेन कर थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट भितर मेंटेन कर तृतीय कथा आमको ग्रूमिंग इन कांसेप्ट आमको शिशु को माँ पाखे रखा पड़ो कंगारू मदर केयर को प्रमोट करा पड़ो सो दैट आम जानते कंगारू मदर केयर शिशु को हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करे एवं बोथ बेबी एंड मदर बोथ आर माने बेनिफिटेड हूँ जो कथा कहते ट्रांसपोर्ट यही वार्म चेन रोटे इंपोर्टेंट कर्नर हूँ वार्म ट्रांसपोर्ट जदि आप बहुत दूर पेरीफेरी अच्छा हाई रिस्क डेलीवरी हवा जामर पेरीफेरी डेलीवरी न करी समय अच्छी आम बेटर जो गोटे टर्शियरी सेंटर को ट्रांसफर करिया काहेकि ना माँ गर्भ भितर शिशु सबुठारु सुरक्षित अवस्था ट्रांसपोर्ट हो पारिबो एवं हिट लॉस माने हाइपोथर्मिया हमारा चांस बहुत कम एवं ए हाइपोथर्मिया एते कोर कांसेप्ट कारण आज दिन रे भी एटा माने समय अनुक्रम जेंते हमें न्यूनेटल रिसेस्टेशन बा एनी न्यूबॉर्न कंटी माने ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली अवेयरनेस प्रकार typically should be trained to our healthcare provider. Next slide. Uno navajat shishu ra sadharan temperature hela 36.5 ru amara 37.5 degree centigrade sadharan ta temperature ame kakha tale gote thermometer re measurement karu स्पेशल क्षेत्र में जमी आम क्या थेरापटिक हाइपोथर्मिया जो टर्शियरी सेंटर से रेक्टल प्रो भी यूज कर पारिबा किंतु साधारणतः आमर स्वास्थ्य कर्मचारी मान आख तले डिजिटल हो बा मर्कुरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर मापिबा 36.5 रु 36 डिग्री ताको आम कोल्ड स्ट्रेस कहू एटा आमको डेफिनेटली गोटे सतर्क सूचना कारण जिते बड़े गोटे प्रीमैच्योर में भी कोल्ड स्ट्रेस लंबा दिन से ओजन बढ़ोनी कोल्ड स्ट्रेस बहुत गुडे अर्ली डिजीज प्रेडिक्टर कारण आम जेको डिजीज कथा कहू सेप्सिस कहू बामे नेक्रोडाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस कहू से आप देखिए गोटे कन्सेप्ट अच्छे थर्मल इनस्टेबिलिटी सो ये थर्मल इनस्टेबिलिटी जो स्टार्ट हुए गोटे जेको नवजात शिशु रोग रोटे प्रारंभिक सूचना हमें परवर्त ए स्लाइड केवल ये हाइपोथर्मिया रो सिवियरिटी क्लासिफिकेशन कहवा जमीक मध्यम धरण ठंडा हाँ मॉडरेट हाइपोथर्मिया को 32 रु 36 डिग्री सिवियर हाइपोथर्मिया कहले 32 डिग्री तल को जब बेबरेज शिशु टेम्परेचर थाए कहते सिवियर हाइपोथर्मिया आम जो जेको शिशु को मॉडरेट बा सिवियर हाइपोथर्मिया नेक्स्ट स्लाइड भी जाएगा नेक्स्ट स्लाइड मैडम जिते गोटे मध्यम सीभीयर थंडा हो जाए बेबी काकरा छुआटा भी कहचे तथा गोटे जिन माइंड रखा हाइपोथर्मिया इनफेक्शन गोटे लुकायत लक्षण ये डेंजर इट कुड बी ए साइन ऑफ इनफेक्शन आम मन को डब्ल्यूएच रु जो सातटा लक्षण दि जाएगी नवजात शिशुर सेप्सिस हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया कंपोनेंट अच्छी
टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी टा केते प्रायोरिटी आपण मन देखंतु तनु आइतर हमें काखदल टेम्परेचर जे कोन शिशु आसेले हमें को जो टी ए बी सी टेम्परेचर आ काखदल हमें टेम्परेचर मापिबा यदि टेम्परेचर 36.5 डिग्री तळकु रहिला ताको हमें कहला हाइपोथर्मिया तापर आपण सिवियरिटी देखंतु हमें केमिति ताको ट्रीटमेंट करबा जदि हमर कोल्ड स्ट्रेस रहछि 36 रु 36.5 डिग्री हमें डेफिनेटली को कंसर्न आपण टिके कंसर्न मींस इट मे बी मॉडिफायबल एंड मोस्टली इट इज साधारणतः एटा बहुत साधारणतः जे एनवायरमेंट टेंपरेचर बा बेबीटा ठंडा हो जाइछि बा हीट लॉस करिछि जोडा कहले आइदर कंडक्शन कन्वेक्शन एवापोरेशन बा रेडिएशन मेथड रहिछि तुन इतरे प्रथम कथा आपण देखंतु यदि बेबी कोनसि खंडाया कपड़ा गोड़े ठंडा रूम एसीटा अन अच्छी फैन टा अन अच्छी बंद करूँ तो रूम टेम्परेचर मेंटेन कर 26 रु 28 डिग्री द्वितीय कनसेप्ट हो स्किन टू स्किन केयर दबा कंगार मदर केयर दबा एवं बेबी की टेम्परेचर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग करवा एटा होची कोल्ड स्ट्रेस रा ट्रीटमेंट मोडालिटी जदि या सत्य बेबी टेम्परेचर इम्प्रूव करूनी बा टेम्परेचर तलू को खसुची ताले हमें आउट ए गंभीर नजर से देखा तेणु नेक्स्ट कथम डिस्कशन के ना मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया जितने आम मॉडरेट और सीवियर हाइपोथर्मिया प्रथम एकाठी करी डिस्कशन करुच्ची जे मॉडरेट एनी हाइपोथर्मिया हूँ गोटे इनफेक्शन लुकायत लक्षण नंबर वन आउ शरीर ताप खसीगले शरीर विभिन्न अर्गान प्रभाव पड़े जमी छुआर ग्लुकोज अंश कमी जापे रक्त जमाट बांधिया शक्ति कमी जापे नहीं तेणु यही कह उदेश हूँ टेम्परेचर केयर कथा तो डिस्कशन करवा मॉडरेट टू सीवियर हाइपोथर्मिया बेबी किंतु गोटे जिनस मन रखा पड़ो जदि शिशुटी मध्यम रु अधिक धरण थंडा हो जा तार ब्लड ग्लुकोज चेक करवा सो तार हाइपोग्लाइसेमिया अच्छी ना ना से प्रायोरीटी देवा नंबर वन नंबर टू जदि बेबी सीवियर हाइपोथर्मिया होता है कोआगुलेशन प्रोफाइल मेंटेन करने कारण आम मेडिकल अच्छे डीआईसी मानते रक्त जमाट आद ब्रांधी चार ब्लीडिंग तार प्रथम पदक्षेप हिसाब से विटामिन के इंजेक्शन टाइम दौचे तेणु सीवियर हाइपोथर्मिया तेल विटामिन के इंजेक्शन दबा रक्तर ब्लड ग्लुकोज लेवल चेक करवा सीवियर हाइपोथर्मिया दरकार पड़े तार हाइपोक्सिया हम आम कही हाइपोथर्मिया हाइपोक्सिया हो चान्स अच्छी सीवियर हाइपोथर्मिया तार सैचुरेशन चेक करवा यदि सैचुरेशन तार 92% तौक अच्छी ऑक्सीजन दबा साधारण सीवियर हाइपोथर्मिया गुड़ाक बहुत मंदा हो जाती कारण सीएनएस इफेक्ट पड़े अपनिया हुए से फिडिंग नहीं पारती भले टाणिकी माटो टाणिकी खाई पारती तेणु आई भी फ्लूड दबा सो देखो आम प्रथम स्लाइड डिस्कशन करते हाइपो शरीर ताप खसीगले कि बॉडी सब अर्ग अंग प्रभाव पड़े सीटा बहुत सुंदर भाव में सीवियर हाइपोथर्मिया मैनेजमेंट डिस्कशन करागला तेणु मु वर्तमान आपन को हाइपोथर्मिया आउ सीवियर हाइपोथर्मिया रा टेम्परेचर पार्ट डिस्कशन करी जदि आम शिशुटी मॉडरेट हाइपोथर्मिया थाए 32 डिग्री 36 डिग्री भितर थाए बा सीवियर हाइपोथर्मिया सदा बेले आपन वार्मर रो यूटिलिटी करंतु कारण वार्मर टा इमान ऑलरेडी मॉडरेट टू सीवियर असन कन वार्मर यूज करंतु वार्मिंग करया पे बेबी की जदि आपनको पेरिफेरी अछंती वार्मर फैसिलिटी नाही त नेक्स्ट स्टेप होजे स्किन टू स्किन कांटेक्ट करबा कंगारू मदर केयर इनिशिएट करबा आ क्लोजली बेबी रो टेंपरेचर मॉनिटरिंग करबा एवरी 15 मिनिट इंटरवल रे देखंतु आमे जत्ते बेले कोल्ड स्ट्रेस थिले आमे एते ओरि नथिले अध घंटे घंटे पर टेंपरेचर चेक करले चलिबो किंतु आपन जे मॉडरेट टू सीवियर हाइपोथर्मिया करछंती हैंडल करछंती मॉनिटर द टेंपरेचर एवरी 15 मिनिट्स सो मॉडरेट हाइपोथर्मिया सीवियर हाइपोथर्मिया रे आपण वार्मर यूज करंतु नंबर 1 जदि आपण बेबी सीवियर हाइपोथर्मिया रे अछि फास्ट तक रैपिड वार्मिंग करकी 34 डिग्री पर्यंत आनंतु 34 डिग्री टेंपरेचर आसिला परे गो वेरी स्लोली स्लो वार्मिंग करंतु स्लो वार्मिंग रा डिफरेंट लोक डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करंती आपण 0.5 डिग्री एवरी 30 मिनिट्स इंटरवल बा 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर लिव कॉलेज बा कि क्षति नहीं हमें व्यस्त हवा दरकार नहीं किंतु रैपिड रिवार्मिंग अप टू 34 डिग्री नेक्स्ट स्लाइड मैडम
34 डिग्री पर्यंत जिबा तापर स्लो वार्मिंग करबा नंबर 1 सिवियर हाइपोथर्मिया थिले मेबडी निस्तेज जायतिबो ताको आइबुप्रोफेन रखिबा ऑक्सीजन दबा विटामिन के दबा ब्लड ग्लूकोज चेक करबा एवं इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करबा जेमति कि आपण ब्लड टेस्ट पठे परिबे एंटीबायोटिक स्टार्ट करि परिबा एबरे अन्य ऑर्गन ऊपर लक्षण मध्य हमें माने हेड टू टू एग्जामिनेशन करबे बेबरे अन्य लक्षण पते मतलब ध्यान दबा नेक्स्ट स्लाइड जो थर्मो आम जो आज विषय वस्तु ताप नियंत्रण क्षमता जो नवजात शिशुर वल्नरेबल फॉर हाइपोथर्मिया वल्नरेबल फॉर हाइपरथर्मिया जदि से टेम्परेचर 37 डिग्री पॉइंट 5 सेंटीग्रेड ऊपर जाए तो हाइपरथर्मिया देखो जे आम प्रश्न करते जो ट्रॉपिकल कंट्री जो कंट्री मानक जो थे टेम्परेचर 42-45 डिग्री बर्तमान आम ग्रीष्म ऋतु समस्त अनुभव करुचे तेणु बहुत इवेन भी टर्म बेबी बर्तमान एडमिटेड होती न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर रे मैंने सीवियर डिहाइड्रेशन विथ सीवियर हाइपरनेट्रेमिया विथ एनकेफालोपैथी कंडीशन विथ देर मोर से माने बहुत मानते मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी मान वल्नरेबल तेणु ये ग्रीष्म प्रधान देश मानक ट्रॉपिकल कंट्री मानक टेम्परेचर 42 डिग्री 45 डिग्री पड़ा थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट नुहे तो बेबी एनवायरनमेंट टेम्परेचर लगे वल्नरेबल फॉर डिहाइड्रेशन तेनाली स्लाइड को जीवा पूर्व गोटे कथा कहबी जे ट्रॉपिकल कंट्री वर्तमान ग्रीष्म ऋतु जो बेबी मैंने हाइपरथर्मिया अधिक ताती जीवार संभावना अच्छी एवं हाइपरनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन होबार संभावना अच्छी आप कौन करवा प्रथम कथा है इनश्योर एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंटली 2-2 घंटे करवाक कह प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग करवा ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट हो ना से मॉनिटर करवा कहीं जलीय अंश बॉडी रे भरपूर कर रखा दरकार नंबर 1 केमिति बेबी ठीक रे परिसर करछ ना नहीं वेट केमिति रहउछ सेटा गोटे क्लोजली मॉनिटर करे टर्म बेबी केस रे नंबर 1 नंबर 2 जदि बहुत जोर त माने एनवायरनमेंट डिसीजन हमें मध्य फैन लगाई पाए सो टेंपर सॉरी वाला सर 2 मिनट ओके फैन एक पे 2 रे हमें फैन टा लगे कि सो टेंपर रूम टेंपरेचर अपन 32-33 डिग्री मैंने 28-30 डिग्री रखु कि असुविधा नहीं रूम टेम्परेचर आप मेन्टेन करें हाइपोथर्मिया दुईट कारण लग हुए गोटे है सेप्सिस द्वितीय कथ है डिहाइड्रेसन जदि सेप्सिस आउ सक बेबी आसी था तार बडीटा हिट थी पेरिपेरटा कोल्ड थी दैट इज अल्सो अनदर क्लू बेबी लेथार्जी बेसी थी सेटा होती सेप्सिस मानते हाइपोथर्मिया जदि डिहाइड्रे मैंने एनवायरनमेंट हिट होती है बेबी पेरीफेरी सेंटर कोर पेरीफेरी टेम्परेचर डिफरेंस बेस किसी नाटा हूँ आप मानते एनवायरनमेंटल हिट लगी हुए तेणु हाइपरथर्मिया जो गोटे बेबी की पाचे फास्ट तार आम एक्सट्रा क्लॉथ बाहर करदे बेबी की हिट सोर्स रु दूरे रखा एवं तार अंडरलाइंग कॉज को इवालुएट करवा सिमिलरली इन्फेक्शन कॉज को इवालुएशन करवा ब्लड ग्लूकोज चेक करवा आउ जो कथा कहले पारासीटामल दबापे ऑलरेडी डिस्कशन है फाइंड आउट द माने व्हाई पारासीट कहीं पारासीट दबानी से कथा पर आलोचना करबे समय जदि हला नेक्स्ट स्लाइड तो हमें वर्तमान हमें एथिरे समरी हमर समराइज करबा जे हाइपोथर्मिया कहला बुझु जे बेसिसुर बॉडी रो टेंपरेचर 36.5 डिग्री तळ को रहउची एवं हाइपोथर्मिया को ट्रीटमेंट को प्राधान्य देवा सो द्वारा आम नवजात शिशु को मृत्यु एवं नवजात शिशु रोग जनित जटिलतारु शिशु को प्रतिषेध आइडियल परिपार्श्विक टेम्परेचर पर बहुत ध्यान देवा आइडियल परिपार्श्विक टेम्परेचर शिशुर केते प्रीमैच्योरली जन्म होती जन्म ओजन केते आज जन्म जन्म हमार केते दिन होती बेबी सुस्थ अच्छी कि असुस्थ अच्छी या ध्यान दबा एवं प्रीमैच्योर बेबी टर्म बेबी तुलना रे हाइपोथर्मिया बहुत वल्नरेबल नेक्स्ट स्लाइड
नेक्स्ट स्लाइड मैडम सो हमें कहले जे नवजात शिशु थर्मल इरेगुलरिटी बोथ हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया वल्नरेबल एवं ए हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन करया प्रथम कर्नर हला जे हमर स्वास्थ्यकर्मी जो माने नवजात शिशु हमें केयर टेकर अछे ए ऊपर हमें वेरी फ्रीक्वेंटली शुड बी अवेयर अबाउट दिस थर्मल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you for summarizing the presentation in Oriya. And I would like